हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक प्यारी सी लव स्टोरी, जो कि रोशनी और राहुल की लव स्टोरी है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और स्टोरी पूरी सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रोशनी और राहुल दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों साथ साथ कॉलेज आते थे और साथ साथ घर जाते थे। राहुल रोशनी से प्यार करता था, पर रोशनी को ये सब पता नहीं था। वो एज अ फ्रेंड उसके साथ रहती थी, पर राहुल को रोशनी के साथ रहते रहते उसकी बातों से, उसकी हरकतों से उसे प्यार हो गया था। पर वो रोशनी को कभी बता नहीं पाया था, क्योंकि वो डरता था कि अगर उसने रोशनी को बताया तो कहीं उनकी दोस्ती ख़राब ना हो जाए। इस वजह से राहुल हमेशा चुप रहता था और वो रोशनी को कुछ नहीं बता पाता था। कई बार उसने हिम्मत भी की थी कि रोशनी को सब कुछ बता दे, पर उसकी हिम्मत ने साथ नहीं दिया। वो जब भी रोशनी के सामने जाता था तो बस चुप हो जाता था। कुछ टाइम बाद एक दिन राहुल के पास कॉल आता है और उसे पता लगता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। राहुल भागते हुए अपने घर जाता है और घर जाके उसे पता लगता है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। राहुल टूट जाता है, क्योंकि उसके पापा ही थे जो उसकी पढ़ाई का खर्चा और उसके घर का खर्चा उठा रहे थे। अब उसके पापा के ना होने पर सब कुछ राहुल के ऊपर आ गया था। राहुल बहुत परेशान था, क्योंकि अब वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता था। तो एक दिन राहुल अपने कॉलेज के सामने खड़े होकर अपने कॉलेज को देखता है और रोता है। तभी रोशनी वहाँ आ जाती है और वो राहुल से पूछती है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो और अंदर क्यों नहीं जा रहे, चलो ना अंदर। तब राहुल रोशनी को बताता है कि सॉरी, मेरे पापा की डेथ हो गई है और अब मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगा। और ये कह के राहुल रो पड़ता है। रोशनी को भी बुरा लगता है कि उसका दोस्त अब कॉलेज नहीं आ पाएगा, पर वो उससे कहती है, कोई नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। राहुल भी हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे कुछ टाइम बीतता है। राहुल अपनी एक साइकिल की दुकान खोल लेता है उसी रास्ते पर जिस रास्ते से उनके कॉलेज का रास्ता था, ताकि रोशनी जब भी कॉलेज जाए वो उसे देख सके। फिर एक दिन राहुल कुछ काम से बाहर जाता है और वो रोशनी और एक लड़का उन दोनों को साथ में देखता है। वो दोनों काफ़ी करीब होते हैं। ये देखकर राहुल को बहुत बुरा लगता है, पर वो रोते हुए अपने घर आ जाता है। रोशनी इस बीच राहुल से कभी कभी मिलती थी और जब भी वो कॉलेज जाती थी तो वो राहुल को हाय बोलकर कॉलेज जाती थी। फिर एक दिन राहुल उसी लड़के को किसी और लड़की के साथ देखता है, तो राहुल समझ जाता है कि ये लड़का रोशनी को चीट कर रहा है और उसे धोखा दे रहा है। राहुल रोशनी को ये बताने की कोशिश करता है, पर उसे ये भी लगता है कि पता नहीं रोशनी उसकी बात पर यकीन करेगी भी या नहीं।
धीरे धीरे कुछ टाइम बीतता है और राहुल यही सब देखता रहता है। तो फिर वो सोचता है कि अब अगर मेरी दोस्ती टूटती है तो टूट जाए, पर मैं रोशनी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। एक दिन रोशनी राहुल से मिलने आती है तो राहुल रोशनी को बोलता है कि तुम उस लड़के से मत मिला करो, वो लड़का अच्छा नहीं है। तो रोशनी उस पर गुस्सा करने लगती है, वो उससे बोलती है कि ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या, तुम अपना देखो मेरा नहीं। ये बात सुनकर राहुल को बहुत बुरा लगता है और वो खुद को कोसने लगता है कि क्यों उसकी किस्मत ऐसी है, और वो बेचारा रोते हुए वहाँ से चला आता है। इधर धीरे धीरे रोशनी उस लड़के के करीब आती जा रही थी, उसे पता भी नहीं था कि वो लड़का उसे चीट कर रहा है। एक दिन वो लड़का रोशनी को लेकर एक जंगल के एरिया में जाता है जहाँ से पास में ही रास्ता भी होता है, तो वहाँ जाकर वो और रोशनी दोनों रोमांस करने लगते हैं और उन लोगों को पता ही नहीं रहता कि हमारे आसपास कोई है भी या नहीं। तभी कुछ लड़के उन दोनों की वीडियो बनाने लगते हैं और धीरे धीरे उनके करीब आने लगते हैं। वो लड़का जैसे ही ये सब देखता है तो वो रोशनी को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है और वो लड़के रोशनी को परेशान करने लगते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहीं से रास्ते से राहुल गुजरता हुआ जाता है और वो ये सब देखता है तो भागता हुआ वो रोशनी के पास आता है और उन लड़कों से रोशनी को छुड़ाता है और उनके बहुत हाथ पैर जोड़ता है ताकि वो लोग वो वीडियो डिलीट कर दें। राहुल बहुत मिन्नतें करता है उन लोगों से तो वो लोग वो वीडियो डिलीट कर देते हैं। फिर रोशनी को अपनी गलती का एहसास होता है, वो बहुत रोती है तो राहुल उसे समझाता है, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हें उसकी असलियत तो पता लग गई। राहुल ये कहकर जाने लगता है। तभी रोशनी उसे रोकती है और उससे माफ़ी मांगती है, बोलती है कि मैंने तुमसे जो भी बोला प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि लड़का ऐसा है। तो राहुल बोलता है कोई बात नहीं, मैंने जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया था, तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा ना कर सकता हूँ और ना होते हुए देख सकता हूँ। तो रोशनी को बहुत शर्मिंदगी होती है और फिर राहुल और रोशनी दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद राहुल रोशनी को कॉलेज छोड़ने जाता है और वापसी में रोशनी को लेने भी आता है ताकि रोशनी को कोई दिक्कत ना हो और कोई लड़का उसे परेशान ना करे। फिर एक दिन वही लड़का रास्ते में अपनी बाइक पर बैठा हुआ होता है और रोशनी और वो राहुल दोनों साथ में कॉलेज से वापस आते होते हैं। तभी वो लड़का रोशनी को देखता है और मुझे माफ़ी मांगने लगता है, पर रोशनी रुकती नहीं और वो लड़का पीछे पीछे रोशनी के आने लगता है। तभी रोशनी रुकती है और लड़का बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस दिन ऐसे भागना नहीं चाहिए था,
तो रोशनी उसको एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, प्यार करते तो तुम उससे मुझे ऐसे लड़कों के पास अकेला छोड़कर नहीं भागते, तुम बस मुझे यूज करना चाहते हो। और इतना कहकर रोशनी वहाँ से बाहर चली जाती है और राहुल अपने दुकान पे चला जाता है। कुछ टाइम बाद रोशनी राहुल को प्रपोज करती है और राहुल से बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। राहुल तो वैसे भी रोशनी को बहुत प्यार करता था तो वो भी मान जाता है और फिर वो दोनों अपने अपने घर पे भी बता देते हैं तो उनके घर वाले भी उनकी शादी के लिए मान जाते हैं और फिर राहुल और रोशनी दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के कुछ टाइम बाद उनको एक प्यारा सा बेबी होता है जो बहुत ही क्यूट सा होता है। राहुल और रोशनी अपने बच्चे के साथ अपनी दुनिया में बहुत खुशी से रहते हैं। तो गाइस कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।